सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिवाली पर शाम 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एमपी में बीजेपी नेताओं को रास नहीं आ रहा। उज्जैन से बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने साफ कहा है कि वो दिवाली परंपरागत तरीके से मनाएंगे और रात 10 बजे के बाद भी पटाखे फोड़ेंगे। मेरा व्यक्तिगत यह है कि धार्मिक मान्यताएं और दीपावली और यह उत्सव चौघड़िए से चलते हैं, पोथी से चलते हैं और जो हमारा ज्योतिष से चलते हैं, और उसमें कौन सा समय पूजा का आता है कौन सा नहीं आता है तो चौघड़िया तय करता है, काल तय करते हैं। और यदि उसमें उत्सव मनाने में यदि पाबंदी आ जाएगी तो 8 से 10, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं तो जब मेरा पूजा ख़त्म होगी तब उत्सव हमारा व्यक्तिगत विषय है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है और हमारी अपनी स्वतंत्रता पर यदि हर जगह ही ऐसी बाधा डाली जाएगी तो वो नागवार लगता है, वो स्वीकार नहीं होना चाहिए और उसकी हमें पीड़ा है। तो मैंने जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। और दूसरा है कि मैं स्वयं तो मेरी जब पूजा खत्म होगी चौघड़े के अनुसार तभी पटाखे फोड़ूंगा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि पूजा के बाद ही पटाखे फोड़ने की परंपरा है और सुप्रीम कोर्ट को अपने इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो धार्मिक परंपरा है उस पर सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को मेरा ख्याल है हस्तक्षेप नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका पालन भी प्रशासन नहीं कर पाता है। और लोगों के अब हमारे यहाँ सिंह लक्ष्य में वो सिंह नक्षत्र में पूजा होती है, वो आता है रात को मध्य रात्रि में। अब मध्य रात्रि में पूजा होती है, आरती होती है, जब पटाखे की लड़ फोड़ी जाती है। अब ये परंपरा है पुरानी, जैसे इधर आरती होगी लक्ष्मी जी की उधर लड़ फोड़ी जाएगी। तो अब ये इस पर प्रतिबंध लगना मेरा ख्याल है उचित नहीं, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। दरअसल पर्यावरण को कम नुकसान हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये समय सीमा पूरे देश पर लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस आदेश पर अमल करने के लिए हर इलाके का SHO जवाबदेह होगा और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो SHO को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।